यो गाइज वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज मैं माइनक्राफ्ट नहीं खेलने जा रहा हूँ, मैं एक न्यू गेम खेलने जा रहा हूँ जो कि कुछ ज्यादा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम है, जिसका नाम है पैल वर्ल्ड। ये गेम शायद आपने बहुत सारे लोगों को खेलते देखा होगा और शायद आप लोगों ने खुद भी खेला हो। अगर नहीं खेला तो डोंट वरी, मैं आज खेलने वाला हूँ, ये तो आप देख सकते हो। और ये गेम जो है ये माइनक्राफ्ट प्लस पोकेमोन का मिक्सचर है। इसमें काफी सारी चीजें माइनक्राफ्ट जैसी फील होंगी, बट एट द सेम टाइम अगर आपने पोकेमोन देखा है तो यार आपको उसका भी वाइब आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे छुटकू छुटकू से पोकेमोन है और कुछ कुछ बड़े भी हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। और ये शायद हमारा कैरेक्टर, मतलब मैंने गेम खेली है काफी तो मुझे पता है थोड़ी चीजें इसके बारे में। आज मैं ये गेम खेलने जा रहा हूँ, ये हमारा पहला एपिसोड रहेगा। क्रिएट करना पड़ेगा हम लोग को एक वर्ल्ड जिसका नाम, ये क्या फालतू सा नाम है, पलपागोस आइलैंड्स। ना भाई ये नाम मैं नहीं रखने वाला, ऑब्वियसली मैं रखूंगा इसका नाम सेनपाइज आइलैंड, क्योंकि ये मेरा वर्ल्ड है एंड और तो कोई नाम मुझे नहीं दिमाग में आ रहा है। सेनपाई की दुनिया रख देता हूँ, एक काम करता हूँ सेनपाई की दुनिया, वे बेटर सेनपाई की दुनिया। डिफिकल्टी हम लोग खेलेंगे नॉर्मल डिफिकल्टी पे। लेट्स स्टार्ट द गेम। चेंज प्लेयर नेम, नाम तो मेरा सेनपाई ही रहेगा, सेनपाई स्पाइडर। यहाँ पे मैं अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज कर सकता हूँ, ये ऑब्वियसली एक लड़की है तो मैं वो तो नहीं रखूंगा, मैं रहूंगा बहुत कूल सा एक मर्द जैसा ये बंदा है। देख के लग रहा है कि ये बंदा प्रो है भाई, 1 2 3 4 8 पैक एब्स है भाई इसके, मसल वसल। रुको मैं इसके चीजें शायद चेंज कर सकता हूँ, तो मैं बॉडी इसके, ओ भाई ये नहीं करना था, रुको इसके मैं थोड़े डोले शोले बढ़ा देता हूँ, क्योंकि बोनवीटा पीते हैं हम तो हाइट के साथ डोले भी बढ़ते हैं। और नहीं ये क्या हो गया, अरे यार थोड़े मोटे पैर ठीक है, थोड़ी हमारी चेस्ट भी बड़ी होनी चाहिए भाई, हम लोग थोड़े खाते पीते घर से। और दाढ़ी मैं रखना चाहूंगा नहीं, पता नहीं, बट मैं आंखें ये रखना चाहूंगा, देख रहे हो हीरोब्राइन जैसी आंखें हैं, एकदम डर जाए लोग देख के, पोकेमोन पहली भाग जाएंगे। दाढ़ी मैं रखूंगा कि नहीं मैं सोच रहा हूँ, रुको कैसा रखूं मैं अपना, शायद ऐसा रखूंगा तो बेटर रहेगा, ये थोड़ा कूल है। दाढ़ी थोड़ी अजीब है क्योंकि इस गेम में फेस ही बदल जाता है पूरा, यहाँ पे ऐसे देखो मुझे रिंकल आ रहे हैं यहाँ पे, मेरे को रिंकल नहीं है तो मैं नहीं रखूंगा, एकदम यंग एंड कूल रखूंगा। बाल मेरे ख्याल से ठीक है, बाकी इसमें बाल बहुत सारे हैं, रुको ऐसे बाल रखेंगे हम लोग, बालों का रंग तो यही रखेंगे। वॉइस मेरी आवाज ऐसी है तो मैं ऐसी ही रखूंगा अपना। फाइनली हमारा कैरेक्टर तो बन गया है, स्टार्ट करते हैं गेम को। यस जल्दी चलो क्या होने वाला है भाई। ओके मेरी आंखें खुली हैं, मेरे सामने 3 पोकेमोन है, ये ओ डर के भाग रहे हैं ये लोग तो। भाई मैंने क्या किया है, ये क्या बोट यहाँ पे टूटी हुई है, ऐसा लग रहा है मैं कोई आइलैंड पे आया हूँ अभी और मेरा क्रैश हुआ है यहाँ पे। ये क्या है, ओके यहाँ पे एक टैबलेट है, द टावर्स आर द की, कौन से टावर, द ट्री होल्ड्स द ट्रुथ, की की बात हो रही है तो हम लोग को वहां पे जाना होगा। एंड एक टैब है हमारे पास और आई डोंट थिंक सो कुछ और है साइलेंट पे, सिर्फ मैं और मेरा टैब। ओ भाई डोले देखो उसके पीछे से, भाई जिम कर रहा है ये, दूर से ही बंदे देख के भागेंगे भाई ऐसे डोले वाले बंदे से तो। नाइस विंड स्वेप्ट हिल्स, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं पैल वर्ल्ड के अंदर, लेट्स गो। ऊपर राइट में ट्यूटोरियल लिख के आ गए हैं, पिकअप फॉलिंग ब्रांचेस एंड ये सब तो हम लोग अभी करेंगे आराम आराम से, बट पहले थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं यार कि ये वर्ल्ड क्या है। मैं थोड़ा ओके हाँ थोड़े कंट्रोल्स में को अभी याद आए हैं, भाई कितना खूबसूरत वर्ल्ड है यार आप खुद देखो, मैं जंप नहीं कर पा रहा हूँ। ओह माय गॉड भाई ये है एक्चुअली पीसफुल गेम। जब मैं पहले खेलता था इस गेम को मेरे को काफी पीसफुल फील होता था, क्योंकि मैं अपने फ्री टाइम में बहुत सारे गेम्स खेलता हूँ एंड उनमें से सबसे पीसफुल यही गेम था। बट भाई शुरू करते हैं हमारी जर्नी। यहाँ पे ये शायद से टेलीपोर्टर है, अनलॉक फास्ट ट्रैवल, तो मुझे इसको अनलॉक करना पड़ेगा सबसे पहले, जो कि मैंने कर लिया है। और मुझे एंशियंट टेक्नोलॉजी पॉइंट मिले हैं, ये मेरी इन्वेंट्री है तो अभी तो इसमें यार एक भी आइटम नहीं है, मेरा प्लेयर लेवल 0 है 1 है और कुछ इधर प्रोग्रेस नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली हम लोग को काफी कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है न्यू बिल्ड भी दबाना पड़ेगा, तो उससे मैं बना सकता हूँ कुछ प्रीमेटिव वर्क बेंच। ओके तो ये मेरे ख्याल से हमारी क्राफ्टिंग टेबल हो गई जो कि मैं बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे सामान जोड़ना पड़ेगा, जैसे ये रॉक है शायद मैं ये तोड़ पाऊं। ओके नहीं क्राउच कैसे होता था इस गेम में, सी या नहीं ये वाला मैं नहीं तोड़ सकता, बट आगे जाके शायद। अरे ये देखो हमारा पहला पोकेमोन, या पैल बोलते हैं इस गेम में, पोकेमोन हम लोग नहीं बोलेंगे पैल बोलेंगे, जो बोलना बोलो भाई, बट ये है कैटीवा, बिल्ली मौसी आ जाओ। अरे कहां भाई, मैंने क्या बिगाड़ा है भाई, मुझे देख के क्यों भाग रही है, यहाँ पे एक चिकन भी है, ये भी भागेगा क्या, वो चिकन देख क्या रहा है साले तेरी, ऐसी देख क्या रहा है मुझे देख क्या रहा है, पूछा देखने से पहले पूछा तूने, कुटाई कर दी इसकी तो। ओ भाई मार दिया, शिट। ओ कुछ मिला भी मेरे को, अंडा मिला और खाना मिला है। ओके वो कहाँ जा रही है, रुक साली तू रुक, तेरे को तो मैं पूरा मैप भगाऊंगा, ये डंडा उठा के आऊंगा, रुको तो इधर आ, कैसे जाते हैं जल्दी जल्दी, ए इधर रुक दौड़ गा रही है। अरे यार मैं स्टैमिना ही इतना कम है, कैरेक्टर का लेवल 1 है और इधर सामान है कुछ। ओ भाई रुको भाई, बिल्ली के बाड़ में सामान लूंगा मैं। ओ एक मेगा स्फीयर मिला है मुझे। गाइस अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये है एक सेकंड कैसे होता है, हाँ ये क्यू दबाने से जो राइट में मेगा स्फीयर है मेरे हाथ में, इससे मैं पोकेमोन पकड़ सकता हूँ। जो मेगा स्फीयर है वो काफी अच्छा पोके बॉल मान लो उसको, जिससे मैं पोकेमोन बहुत इजीली पकड़ सकता हूँ। वो बिल्ली तो भाग गई यार, बट पकड़ेंगे हम लोग, पकड़ेंगे किसी अच्छे पोकेमोन को पकड़ेंगे। अभी के लिए हमारा टास्क में लिखा है ट्यूटोरियल में, ओपन द ऑप्शंस मेन्यू विद एस्केप, चेक द सर्वाइवल गाइड। ओके सर्वाइवल गाइड ये रहा। यहाँ पे यार ये सब क्या है, ये तो यूजर मैनुअल टाइप हो गया, ये तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, कोई नहीं पढ़ता भाई, गेमर असली गेमर ये सब नहीं पढ़ता, बट टास्क था ये तो कर लिया। ओपन द बिल्ड मेन्यू विद बी, सिलेक्ट प्रिमिटिव वर्कबेंच एंड सेट द बिल्ड लोकेशन। ओके ये करते हैं, लेकिन यार मेरे को ना यहाँ पे रहने का मन नहीं है, क्योंकि ये ना काफी देख रहे हो काफी अजीब सी जगह, पहाड़ के ऊपर है, मतलब यहाँ पे ज्यादा मैं कुछ कर
कर नहीं पाऊंगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आगे जाके हम लोग ये सब सेटअप करना चाहिए एक अच्छी सी लोकेशन पर जहाँ पे हम लोग बहुत कुछ कर पाए। रुको थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। ओ पकड़, अरे ये तो वही बिल्ली है, पकड़ना पड़ेगा भाई इसको। ऐसे कैसे साली वहां से यहाँ आ गई, इसको तो मारूंगा मैं। सारे काम छोड़ के पहले इसको मारना है मुझे, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई इस बिल्ली से। रुको तो मेरा स्टैमिना इतना लो है यार। पकड़ लिया ये, अरे पंच ही नहीं कर पा रहा, स्टैमिना ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, रुको अभी तो मार लूंगा इसको। आ अरे ये ले साली, कब से दौड़ा रही है बिल्ली। ओ शिट स्टैमिना नहीं है, ओ नो स्टैमिना नहीं है, अटैक करेगी। ये क्या कर रही है, ए पंजे मार रही है भाई। ओ हो नाखून मुक्के, तू नाखून मारेगी, मैं मुक्का मारूंगा। ये ले मुंह ही मुंह पे, मुंह ही मुंह पे गई ये भी। चलो भाई हमारी जिंदगी का आधा लक्ष्य पूरा हो चुका है, बिल्ली मार दी हमने। ये क्या कर रहा है, ओके नेवर माइंड। वो वहां पे एक और चेस्ट है क्या? हाँ 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 वो एक चेस्ट है, रुको तो लेट्स सी उसके अंदर क्या है। जल्दी से चलते हैं, ये सारे पत्थर अत्थर मैं रास्ते में उठा ले रहा हूँ। मेरा बैकपैक की स्टोरेज भी इससे बढ़ रही है, बट आई डोंट थिंक सो इतनी जल्दी बढ़ेगी। हाँ ये देखो मेरा 300 kg का जगह है, मैं 26 kg ऑलरेडी उठा चुका हूँ। क्या मिला, मेडिकल सप्लाईज, कॉइन्स और एरोज, ओके नाइस। मेरे पास बो नहीं है तो एरो का मैं पता नहीं क्या करूंगा। मैप, ओ हाँ मैं एम से मैप खोल सकता हूँ तो मैं देख सकता हूँ मैं जा एक्चुअली मैं कह रहा हूँ वहां मुझे जाना चाहिए। और भाई यहाँ पे दूर दूर तक थोड़ी थोड़ी चीजें दिख रही है बट फॉग की वजह से बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। रुको मैं धीरे धीरे नीचे जाता हूँ। ये तो शायद खाना है जिससे मैं शायद हील कर। ओ भाई ये क्या है, डायनासोर है ये तो। ओ गॉड, इससे लड़ नहीं सकता भाई मैं, इससे लड़ नहीं सकता मैं अभी के लिए। लिटरली ये भाई छिपकली एक बहुत बड़ी, ये बिल्ली जैसी नहीं है, इसको मुक्के मार के मैंने। ओ माय गॉड, हाथी मेरा साथी है इधर जो कि बिल्कुल साथी जैसा नहीं है। हाँ लेकिन अगर इसके पास मैं जाऊंगा मारेगा नहीं, बट अगर इसको मैं एक मुक्का मार दिया ना पूरा मैप दौड़ाएगा मुझे। एंड मुझे इससे बिल्कुल पंगा नहीं लेना भाई, बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना। साइड से मैं निकल रहा हूँ सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ फाइट विद यू राइट नाउ, बट हाँ जरूर आगे वाले एपिसोड में तेरे को ही पकड़ के लड़वाऊंगा लोगों से। ओ भाई फॉक्स पार्क भी गाइस देख सकते हो मैं, कितने सारे पोकेमोन है भाई इधर, लिटरली कितने टाइप के पोकेमोन। ओ भाई ये तो बॉस है, यहाँ से तो दूर रहना पड़ेगा, बॉस एरियाज में तो नहीं जाना। लेकिन ये एरिया काफी मस्त है यार बेस बनाने के लिए। रुको मैं यहाँ पे आगे जाके कहीं सेटअप करने की सोचता हूँ बेस, अगर यहाँ पे तो यार जगह बहुत कम है। मैं इसके बाजू में भी नहीं रहना चाहता हूँ यार, दिक्कत होगी भाई। इसका लेवल 38 है और मेरा लेवल 31 है, सॉरी मेरा लेवल 1 है, 31 क्या 1 है मेरा लेवल। ये मैं टेलीपोर्टर ऑन कर लेता हूँ अपना, वेरी नाइस। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा अपनी वर्क बेंच जो कि अब शायद मेरे पास सामान है बनाने के लिए। इधर मैं सेटअप करूंगा मेरी वर्क बेंच को और F दबा के मैं इसको बिल्ड करने वाला हूँ जल्दी से। उधर एक चेस्ट है जो कि मैं लूंगा, रुको 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 रुको, मुझे चेस्ट चाहिए। ओपन द टेक्नोलॉजी स्क्रीन फ्रॉम द मेन्यू एंड अनलॉक पैलस्फीयर, ओके ये करूंगा मैं। कैसे होता है ये टेक्नोलॉजी एंड अनलॉक पैलस्फीयर, इसको करना है मुझे अनलॉक। हमारे पास 13 टेक्नोलॉजी पॉइंट है, हम लोग 13 अलग चीजें अनलॉक कर सकते हैं। कुछ चीजें ज्यादा पॉइंट लेती हैं जैसे ये देख सकते हो, ये 2 पॉइंट लेगा, तो ये सब मुझे करना पड़ेगा। मैं ये भी अनलॉक करने वाला हूँ क्योंकि इससे मैं बना सकता हूँ अपना बेस। आपको दिखाता हूँ कैसे, अभी मैं क्राफ्ट पैलस्फीयर आ रहा है अभी ऑप्शन, मेरे पास सामान नहीं उसके लिए यार। पर रुको रुको रुको, पहले तो हम बनाएंगे एक एक्स पिकैक्स बनाएंगे, हर माइनक्राफ्ट प्लेयर पहले वही बनाता है, हम भी वही बनाएंगे। उसके लिए वुड लाना पड़ेगा जो कि एक पेड़ पीछे ही है, किस काम आएगा ये। तोड़ो भाई तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पेड़ इसमें पूरा टूट जाएगा मेरे ख्याल से, फिर थोड़ी देर बाद उग भी जाएगा। पूरा पेड़ तोड़ो जितना टूट सकता है तोड़ो, चलो इतना तो काफी है। मैं एक एक्स बना सकता हूँ पहले तो। इसमें क्या है, हम लोग को हाथों से क्राफ्ट करना पड़ता है, अगर पोकेमॉन है तो वो जल्दी करेंगे। अभी हम लोग जाएंगे पोकेमॉन पकड़ने, हमारा पहला पोकेमॉन। ओ भाई अब कितनी जल्दी जल्दी वुड आ रहा है, लेफ्ट पे देखो एक सेकंड, मुझे एक पैलस्फीयर वहां पे दिख रही है। आप आई डोंट नो अगर आपने देखा है कि नहीं, बट वहां पर एक पैलस्फीयर रखी हुई है मेरे लिए और ये एक्चुअली स्पॉन होते हैं कभी कभार। तो मेरे पास अब 2 पैलस्फीयर है, दिखाता हूँ। ये देखो एक ये है और एक ब्लू है, एक ग्रीन ब्लू, ब्लू वाली थोड़ी लुलसी है बट जो ग्रीन है वो एक्चुअली काफी अच्छी है। एक डंडा बना देता हूँ, मारने में काम आएगी भाई। अब मैं पकड़ूंगा अपना पहला पोकेमॉन, उस आग वाले को पकड़ते हैं। मेरे ख्याल से कुछ काम तो कर ही देगा वो, अटैक करेगा क्या मेरे पे, अटैक करेगा क्या भाई। ओ डंडा देख रहा है इतना बड़ा, खोपड़ी में मारूंगा। तो ये तो चेल है बंदा यार, इसको पकड़ेंगे हम लोग। रुको इसको पहले मारेंगे, इसकी एचपी कितनी जल्दी आ रही है यार। अब इस पे मैं फेंकूंगा ये, ओके हमारा पहला पोकेमॉन पकड़ पाएंगे कि नहीं, ओके प्लीज 97 90, ओके लेट्स गो गाइस, हमारा पहला पोकेमॉन पकड़ लिया मैंने, लेट्स गो। मुर्गा है बट काफी काम का मुर्गा है। ये देखो हमारे लेफ्ट में आ रहा ऑप्शन, अब मैं इसको फेंक सकता हूँ। ये देखो ये मेरी हो गई है, इसकी एचपी कम है क्योंकि जिस मैंने इसको डंडे डंडे मारे थे, आई होप उसको याद ना रहे, बट या अब ये मेरे लिए काम करेगी ताज जिंदगी के लिए। कांट बी असाइंड, ओके हाँ मैंने कुछ किया नहीं है। एक ये भी बना लेते हैं हम लोग, बिल्ड अ पैल बॉक्स इन एन ओपन एरिया, द सराउंडिंग एरिया विल बिकम योर बेस, ओके हाँ ये करना था। इसके लिए मुझे 20 से शायद होगा ये, अब हमें चाहिए रहेगा स्टोन, एक टुकड़ा और स्टोन का लाना पड़ेगा। मेरे पास माइन के लिए वो तो नहीं है माइनिंग के लिए, बट मैं हाथों से तोड़ लूंगा, इतना स्ट्रॉन्ग हूं मैं। बॉडी किसके लिए बनाई, ये तोड़ लिया भाई, किधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे ऐसे, और हमारे इसको फेंकेंगे इधर। अरे भाई मदद करा दे बनाने में यार, देख रही है वो। ये हमारा बन गया अब यहाँ पे बेस, जैसे हम लोग बेड लगाते हैं माइनक्राफ्ट में स्पॉन लगाने के लिए, ये हमारा एक तरीके से स्पॉन पॉइंट हो गया थोड़ा बहुत। अगर इसको मैं यहाँ डाल दूंगा तो मेरे बेस में हमेशा काम करेगी, ये कहीं जाएगी नहीं, डिस्पॉन नहीं होने वाली या कुछ नहीं होने वाली है। पैल्स विदाउट बेड विल गेट स्ट्रेस्ड, उसके लिए बेड भी बनाना पड़ेगा यार, इन लोग के लिए बहुत चोचले करने पड़ेंगे हम लोग यार। ये रहा स्ट्रॉ पैल बेड, ये अनलॉक कर लेता हूँ, एक चेस्ट अनलॉक कर लेता हूँ, रिपेयर बेंच अनलॉक कर लेता हूँ, ये अनलॉक कर लेता हूँ। भाई काफी सारी चीज अनलॉक तो कर दिया मैंने यार, क्लॉथ अनलॉक कर देता हूँ, कैंप फायर भी
अनलॉक कर देता हूँ, ये भी अनलॉक कर देता हूँ, वो की तो जरूरत है यार, यार बेड हर एक चीज की जरूरत है यार, हर एक चीज अनलॉक कर लेता हूँ अभी के लिए, ये सब तो मुझे काम आएंगी। रिपेयर किट का तो अभी मेरे को शायद काम नहीं होगा। सबसे पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पर एक कैंप फायर, क्योंकि मुझे लग रहा है रात होगी और मैं शायद जम के मर सकता हूँ फिर, तो पहले मैं ले आता हूँ थोड़ा सा वुड और फिर हम लोग पकड़ने जाएंगे थोड़े पोकेमोनों को। बाय द वे इस गेम में हम लोग एक्चुअली लेवल अप करते तो हैं, यहाँ से मेरा लेवल 3 है, बट हम लोग एक्चुअली अपना बेस भी लेवल अप करा सकते हैं। मेरा बेस का भी है, देखो यहाँ पे देखेगा बेस लेवल 1, हम लोग को बेस लेवल पता नहीं कितने तक तो ले जाना है, शायद 40 या कुछ तो ले जाना है, आई डोंट रिमेम्बर इतने अच्छे से, बट यहाँ पे मेरे को टास्क देंगे। देखो डिप्लॉय अ वर्क पैलेट बेस, जो कि मैंने कर दिया, इस छोटे से चिकी बी को मैंने छोड़ दिया, और मुझे एक और टास्क है जो कि बिल्ड वुडन चेस्ट, तो मुझे वो करना पड़ेगा यहाँ पे, जिसके लिए मेरे पास वुड नहीं है इतना सारा, जल्दी से माइन कर लेता हूँ यहाँ पे। एनहांस स्टैट्स पे जाके मैं अपना एक्चुअली मैं 2 है ब्रोस, ये बढ़ा देता हूँ। बैकपैक का वेट बढ़ गया तो मैं ज्यादा चीजें कैरी कर सकता हूँ। बैकपैक का वेट, स्टैमिना और हेल्थ बढ़ानी पड़ेगी हम लोग को। ओ मैं एक्चुअली मैं अपना मैप देख सकता हूँ, मैं टीपी मार सकता हूँ यहाँ से। ओके हाँ, मैं इतना एरिया चला हूँ तो ये सब अनलॉक्ड है, तो हमें वो करना पड़ेगा। पहले तो वुडन हम लोग को ये बिल्ड करनी पड़ेगी, जो कि मेरे पास जिसके लिए स्टोन नहीं है। वेरी नाइस यार, मेरे डोले काफी है तोड़ने के लिए। चलो स्टैमिना भी खत्म हो गया उसी के साथ। ओ एक सेकंड, मैं अपनी चीकी बी से अगर किसी को लड़वाऊं और फिर किसी को पकड़ूं तो रुको रुको कैसे कुत्ता हुआ आ रहा है वो, इसी को पकड़ूंगा। रुको 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 रुको, चीकी बी से लड़वाता हूं उसको, कहां गया यार, ये रहा ये रहा ये रहा, ओ साले आ जा। लेवल 4 का है यार मेरा चीकी भी, तो 2 लेवल का है। ए भाई इधर आ भाई, ओ ओ भाई इधर इधर, ये क्या चल रहा है भाई, कितनी लूल है भाई ये। ओ एक अंडा है यहाँ पे, रुको भाई रुको, इसको जाने दो भाड़ में, अभी के लिए अंडा उठा लेता हूँ मेरे पास। लेकिन वो लास्ट डैम मेरे पास ये आइटम नहीं है भाई, जिससे मैं अंडे को हैच कर पाऊँ, तो वो भाई बहुत बाद में होगा उसका काम सही से। भाई मुझे ना एक काम करता हूँ भाई, यू नो व्हाट, खुद ही करना पड़ेगा मुझे। मारो इसे मारो, ओनो ओनो ओनो, अटैक करेंगे दोनों, अटैक करेंगे क्या, नहीं 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 नहीं, नॉट गुड नॉट गुड। चीकी भी जा लड़, ओ माय गॉड चीकी भी कुछ कर ब्रो, ओ मारी चीकी भी, मारी चीकी भी, मुंह तोड़ इनका भाई। नो मेरी चीकी भी, ये तो बहुत लो है, नहीं मेरी चीकी भी मरने वाली है, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा। ओ नो मैं पकड़ लिया, नाइस मैंने पकड़ लिया इसको, अरे अभी भी मार रही है साली। रुको भाई इससे इसको लड़वा दूंगा, इसके दोस्त से मार उसको, ये बात नहीं जमा दिया भाई, अभी के लिए इतना काफी है। हमने एक नया पोकेमोन पकड़ लिया, मेरे को जमना नहीं है अभी। अरे बंदा है यहाँ पे, हेलो भाई टॉक, यू आर अ न्यू फेस, डोंट टेल मी यू आर एन आउटसाइडर। नहीं भाई मेरा ही वर्ल्ड है, तू मेरे वर्ल्ड पे आया, तू आउटसाइडर है साले, नॉट दैट इट मैटर्स टू मी। भाई एटीट्यूड किसका दिखा रहे हैं, नाउ दैट यू आर ऑन द आइलैंड व्हाई नॉट ट्राई एंड कैच सम पर्ल्स, यू कैन गेट एक्स्ट्रा एक्सपी फ्रॉम कैप्चरिंग अप टू 10। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल भाई पता है मुझे, मैं वही कर रहा हूँ। यू नो व्हाट दे से, पैलेटियम मस्ट गेट स्ट्रॉन्गर द मोर पर्ल्स दे कैप्चर, हियर टेक दिस, आई हैव गॉट हाई होप्स फॉर यू। क्या दे रहा है, पैलेटियम फ्रैगमेंट उसने पास दिया। ओह थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, ये ले लेता हूँ। रुको तो हम लोग को खाना खाना पड़ेगा, मेरे पास खाना है क्या, हाँ यार मेरे पास रेड बेरीज है, थोड़ा खा लिया हम लोग ने, ले लेता हूँ जितना ले सकता हूँ, फिर बनाऊंगा एक चेस्ट, उसमें डाल दूंगा सब कुछ फालतू का सामान। अब यहाँ पे मैं चेस्ट सारी सेटअप करना चालू करूंगा, एकदम इधर लगा के ऐसे इसमें डाल देता हूँ सामान अपना जितना है, क्योंकि मुझे अपना बैकपैक को हल्का करना है। अब इसमें डाल देता हूँ, अरे भाई तू अंदर आ, चलो इसके अंदर डालो ये 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 ये, अंडा डालो ये वाला, एरो काम आएंगे हमें शायद, ये डालो ये डालो, ये क्या है पता नहीं, ये रखना है, ये डाल दो भाई, से ज्यादा तो जगह ही नहीं है। चलो ये सब ठीक है, हम लोग अपना बैकपैक इस तरह वापस बढ़ा देते हैं, बैकपैक का स्पेस सॉरी, और हम लोग भाई रात हो रही है, रुको एक कैंप फायर बनाना पड़ेगा वरना मैं जम के मर जाऊंगा। यहाँ बना देता हूँ, भाई मेरी कोई मदद नहीं करेगा क्या, ये बंदा मदद करना चाहिए टेक्निकली बिल्डिंग में, बट इसके अलग ही सीन है, इसके अलग नशे चल रहे हैं उधर खड़े होकर, पता नहीं क्या कर रहा है, देख रहा है मैं काम कर रहा हूँ ये देख रहा है, टेक्निकली इसको काम करना चाहिए, मेरे को देखना चाहिए। चलो ये आते हैं हम लोग, मेरे को ना अगर वो मैं आग वाला पोकेमोन पकड़ लेता ना, वो इसको जल्दी से कुक कर देता, बट मैं शायद अब पकड़ सकता हूँ, रुको कोशिश करते हैं गाइस। कोई वो दिख ही नहीं रहा यार यहाँ पे, तो मेरे पास एक टॉर्च भी नहीं है, शेट मेरे को टॉर्च बनानी चाहिए थी। चलो चलो भाई बेस चलते हैं हम लोग शांति से, टॉर्च बना के आते हैं। ये क्या करने लगा, मैं तो क्राफ्ट कर रहा था, कुकिंग मेरे लिए थोड़ी है भाई, कुकिंग तो इस पोकेमोन को करनी चाहिए। फूक भाई फूक फूक इसमें, ऐसे ही नहीं तेरे को बेस में रखा है, फूक इसमें, कहाँ भाग रहा है, जला देगा ये तो खाने को। एक से एक भाई बोरिंग यूजलेस पोकेमोन है सारे। कैप्चर 5 लैम्प बॉल्स, तो वही करूंगा मैं, उसके लिए मुझे पैल्सफियर बनाने पड़ेंगे 7, तो यार बहुत ज्यादा है, तो मैं सारे बना दूंगा, क्योंकि यार पैल्सफियर की कमी नहीं होने वाली। भाई ये कोई काम ही नहीं करता, ओ ये करता है काम, फूक भाई बना, ओ बना रहा है ये, ओ भाई मुझे क्राफ्टिंग की जरूरत ही नहीं, बंदा पेंगुइन खुद कर देगा सब क्राफ्ट, नाइस। ये जल्दी जल्दी कुक हो रहे हैं तो ये कर लेता हूँ। एक सेकंड, ये कौन है, क्रेमिस से तो सो रहा है, इसको सोने दो पानी में भाई। एक्चुअली रुको यार, क्रेमिस से जितना मुझे पता है वो ना मुझे पोके बॉल देगा, यही टाइम है यार, क्रेमिस मेरे को मिलेगा नहीं, फिर रुको अटैक करना पड़ेगा सोते में, रुको धीरे धीरे जाऊंगा इसके पास मैं। ओके 3 2 1 मारो साले को, ओ नो मारो मारो मारो, सो रहा था सोएगा, कितना रेट है 57 और मारो 77, चलो आजा आजा, वेरी नाइस पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, हो गया 99 100। चलो हमने एक नया पोकेमोन पकड़ लिया है, जिसके सर पे मैंने अभी 5 बार बैट से मारा है, जिसका नाम है क्रेमिस। और ये दौड़ता है भाई, क्या पावर क्या है तेरी, ए भाई के पास जैसी जा रहा हूँ दौड़ रहा हूँ इधर आ, ए यार सारे पोकेमोन दौड़ क्यों रहे हैं मेरे से यार, समझ नहीं आ रहा है इसको, ये भूल चुका है कि मैंने इसके सर पे, ये कौन है कौन है, ए वॉन्डरिंग ट्रेडर इधर भी, वो मैं ऐसी चीजें खरीद सकता हूँ, कितना है मैं बस 245 गोल्ड है, ऑब्वियसली यार गोल्ड में माला मालू बहुत महंगे में सामान बेच रहा है, दूध बेच रहा है 50 का, इधर 24 रुपए
रुपए का मिलता है 24-25 रुपए का आधा किलो, ठीक है, ये मेरे को एक छोटी सी बोतल दे रहा है 50 की, भाई चल भाई, वो भी गोल्ड में, नहीं भाई जा तू भाई जा। मेरे ख्याल से मुझे और पोकेमोन और लैम्बॉल सारे इस एरिया में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आया हूँ, मुझे लैम्बॉल अब तक एक दो ही दिखे हैं। एक हुक्रेट्स पकड़ लूँ क्या? नहीं भाई, उसके बाजू में एक और है। नहीं 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 अभी नहीं, अभी नहीं। ए हट हट, ए ए क्या थूक रहा है साले? तेरे को मैं बताता हूँ, इधर तो आ, तेरे को मैंने कुछ करा नहीं, तो लड़ने आ रहा है, इधर आ, थूक क्या रहा है? ए भाई मार भाई इसको, जमा दिया जमा दिया, मारो 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 मारो, मैं भी चढ़ के मारूंगा ऐसे की तैसी तेरी, थूकेगा थूकेगा विमल, विमल पान मसाला, तेरे को मैं कैप्चर करूंगा, मारूंगा भी नहीं पता है, नौकर बना दूंगा तेरे को मैं। 92 92, लेट्स गो, पकड़ लिया। वेर आर लैम्बॉल्स? ओ भाई तो गैंग एरिया है पूरा, वो अंदर एक पोकेमोन है भाई, पकड़ के रखा है इन लोग को। ओ वहाँ पे एक डियर है भाई। ओ भाई नहीं, इधर नहीं जाएंगे हम लोग, हम जाएंगे आराम से जाएंगे, हम लोग पहले पास लैम्बॉल पकड़ने, हमने कुछ नहीं देखा भाई, करो किडनैप, हम लोग जाएंगे स्पॉन। वेर आर लैम्बॉल्स? अरे यहाँ पे एक और आदमी है, क्या सीन है तेरा? Been a while since someone who didn't stink of pals washed up here, obviously bhai. The island is a living hell. The people I came with aren't with us any longer. Those damned pals hate everything. Main pro yaar, mereko tu mat samjha ye sab bhai. Tere dost jad dunga, tereko nahi pata chalega. Oh no 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 wait. Oh my god, let's go. Bhai kitne sare lambol hai yahan pe, yahi to aana tha mujhe. Spawn pe lambols hote hain. Oh bhai kitne time se dhoond raha tha tumhe. Chalo maro ab. Mehman nawabi karunga tumhari yahan. Salo tumhe pakadne aaya hu, ek ek ko, panch ko pakadna hai. लेवल अप, लेट्स गो, इजी पीजी कर रहा हूँ इन लैम्बो वालों का तो मैं। आओ भाई जड़ दूं तुम सबके मैं पकड़ पकड़ के, कान के नीचे एक और पकड़ना है, वो रहा, लेट जा भाई तू, पकड़ लिया, चलो एक और एक और एक और, ये ले 100% कैप्चर रेट कहते हैं इसे। चलो ये कौन सा योगा चल रहा है इधर? छोड़ो भाई मुझे क्या करना पड़ेगी, तो फिर भी तुम्हें आएगी आएगी बता, ये अभी भी सोच रही क्या चल रहा है, दौड़ेगी नहीं तू, दौड़ कैसे रही है? इधर आ, अरे 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 यार बैट फिर मिस हो गया, मारना इसको यार, कहाँ चली, अरे गलत बॉल फेंक दी यार, बॉल ही नहीं बची, मेगा स्पीयर है दो मेरे पास, नहीं इन पे तो नहीं वेस्ट करूंगा यार मेगा स्पीयर, यार क्या सीन है हर बार का यार, ये पैल्डियम फ्रैगमेंट, इससे मैं बहुत सारे पैल स्पीयर बना सकता हूँ, जिससे मैं बहुत सारे पोकेमोन पकड़ पाऊंगा। ओ लेवल बढ़ गया भाई, लेवल 6, मैं रांच बना सकता हूँ, डिप्रेशन से फाइट कराता हूँ इसकी मैं, कर कुछ कर भाई, डिप्रेशन फेंक, विमल थूक उस पे, विमल थूक थूक भाई थूक, अब क्यों नहीं थूक रहा है भाई, मैं भूरा हो जाऊंगा यार, ये लोग लड़ाई नहीं चालू करेंगे यार, ए यार टेस्ट करना है मुझे को पोकेमोन ये। ओ भाई एक विमल में पूरी एचपी, इसे कहते हैं पावर ऑफ गुटका, बाय द वे आई एम नॉट प्रमोटिंग गुटका, अजय देवगन सर अगर कुछ रोल हो तो बताना, बोलो जुबा केसरी, ये रहा मेरा बेस, तो बना लेते हैं भाई शॉडी पॉडी बेड बना देते हैं पूरा, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं बनाऊंगा रैंच अपना, एक आग फूकने वाला पोकेमोन भी पकड़ना है हम लोग को, अभी याद आया मेरे को, उससे पहले पैल स्फीयर बना लेता हूँ, मैं एक ही बना सकता हूँ, ओ मेरे पास ओके 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 स्टोन ही नहीं है यार, स्टोन स्टोन तो अभी यहाँ बाजू में से तोड़ लूंगा मैं, तोड़ो भाई तोड़ो, रुको तो मैं ये क्राफ्ट करना चाहूंगा, एक बो कर भाई, थोड़ी मजदूरी कर, इसको मैं बाजू में ऐसे लगा देता हूँ इसके, तो मैं बना लेता हूँ, वो बना रहा है, इसमें डालो ये सब, चलो आ जाओ भाई तुम, एक बेटर वेपन आ गया फाइनली, कहाँ है वैसे, रुको तो क्या फेंक दिया मैंने वापस यार, मेगा स्फीयर फेंक दी, एक सेकंड मेरी बो कहाँ है यार, ये रे इसको डालना पड़ेगा यहाँ, यार मैंने अपनी मेगा स्फीयर फेंक दी, नो वे, वो बहुत काम की है, मैं सब फालतू गिरी में वापस नहीं करूंगा यार, तो यहाँ पे बिल्ड शॉडी बेड है, उसमें लेवल 3 पे जा पाऊंगा, मैंने वर्क बेंच तो बना लिया, तो शॉडी बेड बनाने के लिए मुझे चाहिए रहेगा वुड, तो मैं यहाँ पे वुडन फाउंडेशन ऐसे लगाता हूँ, ओके मेरे को वुड भी लाना पड़ेगा यार, मेरे को हर एक चीज की कमी हो रही है, मेरे कैरेक्टर को ठंड लग रही है पता है, मेरे को अपने ये कपड़ा बनाना पड़ेगा हम लोग को, जिससे मेरे कैरेक्टर को ठंड ना लगे, ये ठंड लग रही तो देखो एचपी धीरे धीरे कम हो रही है, एक एक एचपी जा रही है मेरी, जो कि ऑब्वियसली गलत बात है, अगर मैं हाथ में ये पकड़ लूंगा तो फिर ऑब्वियसली सही हो जाऊंगा और हील होने लगूंगा मैं, हम लोग अभी यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, एक वॉल बना देते हैं अभी के लिए, ये ऐसा और एक छत बना लेते हैं, लेट्स गो शॉडी बेड लाइक दैट एंड बिल्ड करना चालू करो भाई शॉडी बेड को, रुको तो यार डिप्लॉय कर देते हैं कहा था पैल में, दो लैम्बॉल्स, आओ भाई मदद करो, ये मदद करा रहे हैं, नाइस चलो, ये अच्छे होते हैं भाई लैम्बॉल, अच्छे होते हैं इसलिए 5 जो पकड़े ना इन 5 को पकड़ के कभी मेरे को रिग्रेट नहीं होगा। ओ भाई सो गया मैं, दिन में सो गया भाई, माइनक्राफ्ट वाले तो औकात दिखा देते, चलो खड़ा भी हो गया आराम करके, मेरा एक्चुअली फाइटिंग इन्वेंटरी है, ये मेरा एक्स्ट्रा इन्वेंटरी है जो कि बेस पे रहता है, और ये मेरे बेस पे जो पोकेमोन लॉन्च्ड हैं डिप्लॉयड हैं वो है, जो कि ये ऑब्वियसली दो लैम्बॉल हैं जो कि ओ सामान इकट्ठा कर रहा है, वेरी नाइस भाई करो भाई, ओ भाई बहुत कुछ बना सकता हूँ भाई मैं, रुको रुको कपड़ा फीड बॉक्स और क्या बनाना है, स्टोन स्पीयर रैंच बेरी प्लांटेशन, पहले हम बनाएंगे रैंच क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, फाइबर हमारे पास मिल जाएगा, स्टोन ये सब ठीक है, चलो लेके आते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा सब कुछ, रैंच से क्या होता है बताता हूँ, रैंच एक होता है छोटा सा एरिया जहाँ पे आपके कुछ पोकेमोन आप छोड़ दोगे और वो पोकेमोन अलग काम करेंगे, जैसे मेरे पास क्रेमिस जो मैंने रात में जाके पकड़ा था उसको अब मैं रखूंगा उस रैंच में, और रैंच वो लाएगा पोकेबॉल वूल ये सब लाएगा, स्टोन भी तोड़ना पड़ेगा, चलो जल्दी से तोड़ लेता हूँ,
चलो वी से अपग्रेड बेस लेवल 3 लेट्स गो बिल्ड फीड बॉक्स बिल्ड स्ट्रॉ पैल बेड। हाँ बेडी बनाने बोल रहा हूँ हम लोग को। ओके जल्दी से कपड़ा बना लेता हूँ क्योंकि मैं भाई ठंडा लग लग के परेशान हो गया हूँ। हम लोग बनाएंगे हमारा पहला कपड़ा इस गेम में। वेरी नाइस। चलो हमारे पहले कपड़े भाई फाइनली लग रहा है कि भाई मैं गेम खेल रहा हूँ। थोड़ा सा ना सेटलमेंट बना देते हैं हमारे रैंच के लिए। इतना बड़ा काफी है क्या एरिया? रुको रैंच इसमें फिट होएगा? नहीं और बड़ा करना पड़ेगा हम लोग को। चलो आई होप सो इसमें फिट हो जाए। इफ नहीं हो रहा है भाई आई डोंट नो व्हाट टू से। भाई यहाँ तो फिट हो जाना चाहिए। टू क्लोज टू अ स्पेशल बॉस और फसिल। भाई बॉस तो उधर है, मैं रैंच लगा ही नहीं सकता। यहाँ रैंच लगा सकता हूँ मैं। अरे यार इधर रैंच लगाते हैं, ये तोड़ते हैं, दो मेरा सामान वापस। चलो सही है ये भी। बिल्ड करो भाई बिल्ड करो रैंच बिल्ड करो। एक मिनट लगाएगा रैंच को बिल्ड होने में। बाप रे ये भी सही है। चलो लेट्स गो गाइस, हमारा ये रेडी हो चुका है। अब मेरे को जो स्पेल स्फीयर है जो मैं ऐसे फेंक के मारूंगा उन लोग को, मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है, बताता हूँ क्यों। ये देखो बस क्रेमिस है, मैं यहाँ पे क्रेमिस डालने वाला हूँ। इसको मैं करने वाला हूँ लिफ्ट और सीधा शक्तिमान की तरह एकदम एक हाथ पे लेके दौड़ूंगा, गुलाटी भी मारूंगा और फेंक दूंगा। इधर कहाँ गया? फेंक गया ए भाई। हाँ चलो खुद चला गया। अब ये देखो कर रहा है ग्रेजिंग, उसके ऊपर लिख के आ रहा है। इसका मतलब ये रैंच को यूज कर रहा है, ये बंदा भी ग्रेजिंग कर रहा है। हाँ मतलब मेरे को वूल भी मिलेगा भाई, ये तो बहुत बढ़िया हो गया यार। अब मेरे को पैल जो है पैल स्पीयर वो ये खुद मेरे को ड्रॉप करेगा बंदा। अब मुझे अपना बेस लेवल अप करने के लिए बनाना है एक फीड बॉक्स और एक पैल स्ट्रॉप बेड, जो कि मैं फीड बॉक्स मैंने अनलॉक किया है। मैं अभी यहाँ पे बना देता हूँ जल्दी से इसके बाजू में ही यहाँ पे, क्योंकि लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहने वाले हैं वहाँ रैंच के बाजू में। फिर वहां से निकल के थक के यहाँ पे खाना खाएंगे। खाना भी डालना पड़ेगा मेरे को इसके अंदर, जो कि मैं अपना ही खाना डालने वाला हूँ थोड़ा सा। अभी हमें करना है पैल स्ट्रॉप बेड बनाना है, जो कि मैं बना सकता हूँ यार अभी बहुत इजीली से बना सकता हूँ। रुको हम लोग बनाएंगे वो पैल स्ट्रॉप बेड। रुको हम लोग पहले यहाँ पे बनाएंगे एक वुडिंग वुड फाउंडेशन यहाँ पे ऐसे। पैल स्ट्रॉप बेड बनाने के लिए है हमारे पास अब सामान एक। यार अब सामान नहीं है, हमें चाहिए रहेगा वुड थोड़ा। रुको जल्दी से ये पेड़ तोड़ लेता हूँ जाके। तीन हमें बनाने हैं, उसके बाद हम रेडी हैं, क्योंकि मेरे पैल रेस्ट कर पाएंगे। उनका रेस्ट करना बहुत जरूरी है, अगर वो रेस्ट नहीं करेंगे तो पागल हो जाएंगे। ए भाई पागल हो गया। ये मेरे पैल है क्या? अरे हाँ ये तो मेरा ही पैल है। मदद करा भाई, ये वो मदद करा भाई। कोई मदद नहीं करा, शायद ये कैटिवा मदद करे शायद। ये मदद करेगी, तोड़ेगी वुड साथ में। देख भाई इग्नोर जो मार रही है ना खड़े होके, ये मुस्कान किसको दिखा रही है तू? कोई नहीं चलो है तो अपने ही, अब क्या करें। मेरा एक्स टूट चुका है, मेरे को अब रियलाइज हो रहा है मैंने रिपेयर बेंच क्राफ्ट ही नहीं करी है। रुको ये रही रिपेयर, ये तो रिपेयर किट है, रिपेयर बेंच ही रही। रुको इसको लगाऊंगा इसके डायरेक्टली पीछे ऐसे, सब आगे दौड़ते हुए। वो देखो वहाँ पे वूल है, वो देखो दिखाता हूँ तुम लोग को जाके। मुझे वूल ऐसे ही मिल गया, ये देखो इजी वूल। ओ थैंक यू सो मच मेरे चूजो। हो गया हमारे पास वुड, शायद हम लोग को एक और थोड़ा बहुत और तोड़ना पड़ेगा एक और बनाने के लिए। एक तो बना लेंगे। नहीं हो गया हमारे ना था। देखो रात हो रही है धीरे धीरे और इनके बेड भी रेडी हैं, तो ये लोग होने वाले काफी खुश बहुत जल्दी। हमारी जितनी मेहनत नहीं इनकी जिंदगी में कि काम करना है कमाने हैं पैसे, इनको बस सोना है खाना है और वुल देनी है भाई। रात में मैं सोऊंगा नहीं क्योंकि मैं निकलूंगा हंट पे अच्छे अच्छे पोकेमॉन पकड़ने के, लेकिन मैं और पोकेबॉल बनाना चाहता हूँ उसके लिए। मेरे पास किस चीज की कमी है? वुड की कमी है, थोड़े स्टोन की कमी है। ऊपर जाके वुड लेके आता हूँ। चलो कितना है मेरा बैकपैक स्पेस? जब तक मेरा बैकपैक फुल नहीं होता हम लोग वुड माइन करते रहेंगे। बाद में पता हम लोग ऑटोमेटिक कर सकते हैं ये सबको, लेकिन अभी के लिए नहीं। ओ देखो कैसे सो गए हैं वो लोग लेट के। अबे इसको पकड़ लेता हूँ ना एक को, रुको तो इसको बो मारूं क्या? ओ साले मारेगा मुझको। कैप्चर हो जाए, मेरे पे पैल बॉल्स कम है। नाइस लेट्स गो, वेरी नाइस। ओ भाई कितना स्टोन है भाई, 100 स्टोन है मेरे पास। थोड़ा ये ले लेता हूँ पैल बॉक्स, सॉरी पैल बॉल्स बनाने के लिए। पैल बॉल ही कहते हैं ना इसको, पैल स्पीयर बनाने के लिए। तोड़ो ऐसे भाई, लेके जाना है घर। एक इससे एक बनेंगी अभी के लिए, फिर धीरे धीरे एक्चुअली बहुत लेवल अप करते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग पैल स्फीयर है, उस हिसाब से हम लोग कितने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन पकड़ पाएंगे और वैसी उतनी स्ट्रॉन्ग उसकी रेसिपी होगी। अंडा है वहाँ पे यार, अभी नहीं लूंगा लेकिन बाद में लूंगा। अभी हम लोग अंडे हैच करने के लिए हमारे पास इंक्यूबेटर नहीं है, जो कि दिखाता हूँ मैं कब मिलेगा। इंक्यूबेटर मिलेगा यहाँ पे, उसके लिए हम लोग एक मिथिकल वो मारना पड़ेगा एंशिएंट, जो कि एक बॉस होगा बेसिकली, जैसे कि वो मेमोरिस्ट है उधर हाथी, उसको मारना पड़ेगा तब हम कर सकते हैं ये सब अनलॉक। सो ही जाता हूँ एक बार आराम से। पहली रात हमारी सो के हो गई कंप्लीट। ओ भाई कुकड़ू कू, वेरी नाइस। ये तो मैं सोचा नहीं था ये भी होगा गेम में। चलो भाई लेवल अप करेंगे बेस का। अब आया है बेरी प्लांटेशन वर्क पैल, ये तो मैं अभी खुशी खुशी देना चाहता हूँ। एक क्रेमिस जो मैंने पकड़ा था, कहाँ गया मेरा क्रेमिस? ये रहा, क्योंकि मेरे को चाहिए भाई पोके बॉल्स, क्योंकि एक भी इसने प्रोड्यूस नहीं किया यार। वो यही था ना क्रेमिस ही था ना जो नहीं, कौन था वो जो पोके बॉल प्रोड्यूस करता था? मुझे एक बार समझना पड़ेगा, शायद क्रेमिस ही था। अरे यार वो विक्सी है।
ये विक्सी नहीं है ना, ये क्या है, ये क्रेमिस है, वो विक्सी। ओ गॉड गाइस, मैंने एक छोटी सी गलती कर दिया, हम विक्सी को ढूंढ रहे थे बट ये क्रेमिस है, विक्सी जैसा पोकेमोन, और ये सिर्फ वूल देगा मुझे। विक्सी तो हमें अभी नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, बट थोड़ा करना पड़ेगा मेहनत। ओ भाई सारे आके काम करो, बनाओ पोकेबॉल। एक हम लोग को पकड़ना है, आग वाला पोकेमोन बना दिया क्या इसने? बना रहा है। मैं भी हेल्प करता हूँ इसकी, जल्दी जल्दी होगा। आई एम गोइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी राइट नाउ, आई होप ज्यादा लॉन्ग ना हो। एक डियर है 10 लेवल का, उसको पकड़ेंगे। ये रहा यार, दो साथ में यार, इनको पकड़ना सही रहेगा यार। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जा मार के आ उसे। ओ सर, एक सिंग में पूरे एचपी ले गया यार, ये तो मरने वाला है मेरा पोकेमॉन। ओ नो, मुझे सिंग मत मार, आई एम आउट। डिप्रेसो, उसका डिप्रेशन दूर कर। पान थूक उस पे मेरे भाई, मौत हो गई। अरे ऑलमोस्ट मौत हो गई यार, लंबॉल तू लड़। ओ नो, कैप्चर। ओ पोकेबॉल लगा भी नहीं, चलो निकलो यहाँ से, आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। चल मारो। ओ जल गई बिल्ली, फाइट कटी हुआ फाइट। मुक्के जड़ दे थोड़े, दो तीन मैं ही जड़ू सारा। ओ भाई ए भाई, मैं ही क्यों बकरा बनता हूँ यार। रुको रुको रुको, प्लीज पकड़ में आ जा। वेरी नाइस, एक पकड़ लिया। ओहो, मरने वाला है लेकिन अकड़ नहीं गई, चलो सही है, ये भी सही है, पकड़ लिया, वेरी नाइस, लेट्स गो। इसने किससे लड़ाई हो रही उनकी? रुको, उसने एक को मार दिया, मैं अभी पकड़ सकता हूँ उसको। नहीं आया। ओ नो, रुको, एरो से लो करना पड़ेगा। और यार एरो में तो एरो ही नहीं है, बो में एरो नहीं है, बार आई है। पकड़ लिया, लेट्स गो। ओ भाई गाइस, ये बहुत मस्त पोकेमोन है भाई जो मैंने पकड़ा अभी, फाइटिंग के लिए तो बहुत ही ज्यादा मस्त। चलो भाई, कहाँ है, क्या बनाना है यहाँ पे? बेरी प्लांट, ये तो बना दूंगा अभी मैं। ये रहा, ओ माय गॉड, ये भी सही है यार, ये भी सही है यार, ये तो एक ही डालो इधर। चलो दो तीन अच्छी चीजें हो गई, जैसे ये मेरा कुकिंग करेगा बंदा, कर भाई बढ़िया कुकर। ये बंदा क्राफ्टिंग करेगा, तो एरो क्राफ्ट होने में दे देता हूँ, यार इतना महंगा सब कुछ है यार। और ये बंदा ये सब निकालेगा, सही है, वूल की भी दिक्कत नहीं है। ओ ये देखो गाइस, एक थर्ड ईयर, ये जो बोलना बोलो इसे, इससे फाइटिंग बहुत तगड़ी हो जाएगी मेरी। ओ रहा एक और, एक थर्ड ईयर से एक थर्ड ईयर को लड़ा दूं क्या? ये तो एपिक हो जाएगा भाई, रुको तो। चलो एक्थीडीर जो भी है यार, मैं तो एक था टाइगर ही बोलूंगा, गेम वालों को जो नाम रखना है रखो, मुझे क्या। दौड़ के आ रहा, इधर आ, फाइटिंग करनी है भाई, फाइटिंग। ए हेडशॉट मार दिया भाई, आना, हाथी से दूर रहे, हाथी कूद देगा पकड़ के। लड़ अभी। ओ वो, उससे लड़ ब्रो, आई एम नॉट योर ओपोनेंट। लड़ो। ओ भाई दोनों की एचपी सेम है, लेकिन मेरे वाले का लेवल कम है यार। ओ शिव, मरने वाला वो। अरे किसको फेंक दिया मैंने ये? आजा 20% 40 आएगा क्या पियर्स? आजा भाई आजा पकड़ में, लेट्स गो। चलो गाइस पकड़ लिया, नाइस, एक और एक्थीडियर। ये काम आएगा यार, ये सब तो काम आएंगे पोकेमोन, वो भी लेवल 9 वाला पकड़ा है हम लोग ने, नहीं लेवल 11 वाला मेरे पास एक ऑलरेडी है, बट एक्चुअली वो लेवल 11 नहीं, लेवल 7 की तरह काम कर रहा है, क्योंकि मेरा खुद का लेवल 7 है। ओ इसको पकड़ना तो है बट ये बहुत बुरा मारेगा। गाइस देखो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मैं मरूंगा, बट एक बहुत डेंजर पोकेमोन। ओ आ गया वो लड़ने। नो, मेरा मरने वाला है वो। कहाँ है वो? उधर लड़ाई हो रही है उसकी भाई, आग लगा दी उसके। आ जाओ गाइस, नहीं उसको मारो मत, छूट गया। नो, ओ नो, पकड़ लिया उसको, लेट्स गो। इन पे मैं एक्चुअली मैं बैठ भी सकता हूँ, देखो मैं इस पे बैठ सकता हूँ, एक्टिडियर जो भी बोलना है, और मैं इस नेटविंग पे भी बैठ सकता हूँ, नाइटविंग, लेकिन मेरे को लेवल बढ़ाना पड़ेगा अपना, दैट्स द थिंग। हम लोग चलते हैं, थोड़े पोकेमोन पकड़ के आते हैं जल्दी से, हमें अपना मिशन कंप्लीट करना है इस वीडियो में, जो कि है कैप्चरिंग सम पोकेमोन्स, सम से मेरा मतलब है 30 पोकेमोन्स। बेचारे का 3 ही लेवल है यार, इसको तो ऐसी मजा आए तो। ओ वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, अब आ जाना, नखरे मत करना। चलो पकड़ लिया ऐसे भी, अब हमें पकड़ने हैं और 13। यहाँ पे सिंडिकेट ठग नहीं है ना, इसको रिलीज कर देते हैं, ये स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में किडनैप था। अरे तो वो है, ये मेरे पास आ जाएगा क्या? जो भी, चलो रिलीज कर देते हैं भाई को। भाई को रिलीज कर दिया, शायद मिल, हाँ शायद मेरे को मिल गया, 18 हो गया मेरे को, अभी 12 पकड़ना है। मेलबेका भाई आओ, लड़े तुमसे, आ जा भाई। अरे मिस हो गया, नो वे, मेरे पे बहुत कम है यार। नो वे ब्रो, नो वे, व्हाट? ओ माय गॉड, नहीं भाई, मेरे सारे एरो मिस हो गए उस पे। 1 एरो एंड अ ड्रीम, नेवर माइंड। एक और है, रुको, ट्रिक शॉट। टूटा हुआ साज हूं भाई मैं। कुछ नया पकड़ते हैं, गुबॉस है यहाँ पे, इसको पकड़ते हैं। चलो हर एक टाइप का पोकेमोन होना चाहिए हम पे, क्योंकि इसको थोड़े लंबॉल से लड़ाता हूँ, थोड़े इसके लेवल के इससे लड़ाता हूँ। मार भाई, अरे यार इसको तो ऐसे ही मार दिया। अरे मरने वाला ये, तू भी लड़ेगी, आजा, पकड़ लिया। लो भाई दो लोगों को पकड़ लिया भाई। ओ भाई पिकाचू, ओ भाई पिकाचू है यहाँ पे, उनपे गन्स है। ओ दूर रहो, पार्किट। अरे वो तो उसी को मार, नो पिकाचू, मर गया पिकाचू। स्पार्किट कहते हैं उसको इस गेम में, पिकाचू नहीं है। यस गुड वन, मार उसे, मार
ये बात, चलो औकात दिखा दो ब्रो। चलो मरा नहीं, एक और एक और। हम एक फुआक पकड़ेंगे अभी। चलो मार मार मार। ओ उड़ा दिया। आजा, ये आई गेस बेस पे गार्डनिंग करेगा। माली का काम दूंगा तेरे को बता, करेगा माली का काम। अरे 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 पानी मार रहा है माली साले। माली का काम करेगा बता। इसको माली बनाएंगे हम लोग, पानी फेंकेगा ये हमारे उस पे बेरीज पे। अच्छे अच्छे नौ और पोकेमोन पकड़ने हैं। अरे पिकाचू पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पिकाचू पकड़ने हैं मेरे को। यही मौका है मेरा पिकाचू पकड़ने का। कितना है, 4% या? इससे लड़ो, इससे लड़वा देता हूँ। मार बे मार। मैंने शायद ना गलत पोकेमोन फेंका, बिकॉज ये वाटर टाइप है और वाटर टाइप को नहीं लड़वाना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी टाइप से। ओ मैंने पकड़ लिया। ओ इसकी भी एचपी लो ही है, रुको खींचना पड़ेगा इसको। मरेगा मरेगा मरे। ओके नहीं जिंदा है, आ जा भाई आ जा। नहीं अगर बच गया ये तो इसको दो डंडे मार के वापस अंदर लूंगा। ओ लिफ्ट मंक, इसको भी पकड़ना है। डंडे मारूंगा डंडे मारूंगा। लिफ्ट मंक भाई आ जा भाई, रास्ता नहीं है, तू गिर के मर जाएगा, मरना मत, आ जा। चलो नाइस वन, नाइस। विक्सी इसको तो पकड़ना है, यही तो है वो जो पैल स्फीयर देगी हमें, इसकी ही बात कर रहा था। यही तो मेन है भाई, इसे इसको पकड़ो। पकड़ लिया, नाइस वन। अरे तू कहाँ से आ गया, तेरे को इतने डंडे मारूंगा, पहले दौड़ क्यों रहा था? मेरी चील से लड़। अरे अरे आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मेरी चील से लड़ तू। जे बात, और मार और मार और मार। ए भाई ओ आउट ऑफ द रिंग गिर गए तुम, आजा भाई। ओरे नाइस मेलपेका। ओ ये कौन है, कैपरेटी, ये भी चाहिए हम लोग को, ये हमें फार्मिंग में काम कराएगी। रुको रुको दौड़ मत, विमल विमल थुकवा दूंगा तेरे पे मैं, जा थूक उस पे विमल थूक। जे बात, अरे विमल वाला नहीं है यार ये तो। ओ नो, ए भाई ए संभल के भाई संभल के। 44 ही कैपरेटी को पकड़ भाई, कैपरेटी अटैक करेगा मेरे पे, मार उसे। अरे नहीं यार इसको पकड़ लेता हूँ, गलत हो गया यार, वो अटक गया जमीन के अंदर घुस गया वो। छी यार दूसरा कैपरेटी ढूंढने, दो पकड़ने हैं, दो और। ओ वो रे एक और कैपरेटी। चलो 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 आरो भी मिल गए, चलो ये भी बढ़िया। वो डे ड्रीम है वहाँ पे, उनको भी पकड़ूंगा, रुको तो। चल मार ब्रो मार, थूक पानी उस पे। गलत गलत एनिमी है वो, उसको नहीं मारना है ब्रो। अरे यार मार 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 ब्रो मार, और दो तीन मार। डे ड्रीम घुस जाएंगे भाई, फाइट में दिक्कत हो जाएगी अगर ये हो गया तो, निकलना पड़ेगा हम लोग को फिर। नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं फाइट में घुसने वाले हैं बोलो। वाइल्ड गार्ड एंट्री डे ड्रीम। ओ नो ओ नो, अरे वो भी उसको ही मार रहे हैं। ओ भाई वो मेरी है, वो तो मेरी है, पर कैपरेटी को तो पकड़ना है मुझे। अरे कितना क्योस हो गया यहाँ पे। अरे कैपरेटी ब्रो तू आ जाना। सब मर गए कैपरेटी को छोड़ के। एक डंडा मारूं तेरे, अब आ जा भाई, मेरे पे पोके बॉल इतने नहीं है, प्लीज मान जा। नहीं 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 नहीं, नो मेरी एचपी, प्लीज मेरे पे पोके बॉल्स नहीं है इतने। ओ लेट्स गो कैपरेटी, एक पोकेमोन पकड़ना हम लोग को, एक पकड़ा जाए हमारा आखिरी पोकेमोन अभी। आ जा, बहुत लुल्ड पोकेमोन से भी लड़वाऊंगा इसको मैं, एकदम लुल। इससे लुल कुछ नहीं है, ये फाइटिंग के पोकेमोन है ही नहीं, ये घर वाला पोकेमोन है। मार मार मार, लैम बॉल मार उसे। ओ बहुत लो यार, आ जा भाई आजा। एक डंडा मारूंगा नहीं आएगा तो। नो वे, वो एक टूम्ब बैट है वहाँ पे। गाइस हमारे 30 पोकेमोन हो गए हैं, बट वहाँ पे एक टूम्ब बैट है और उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। नो वे, टूम्ब बैट इतनी जल्दी मेरे को मिल गया है। मार 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 प्लीज, एक थर्ड ईयर नहीं, उससे मर मत प्लीज। आई नो तेरे से लेवल से बहुत ज्यादा हाई है, बट आई नो यू कैन डू इट। नो वो लो है, वो बहुत मरने वाली है वो। नो वो मेरे को अटैक कर रहा है। ओके अटैक कर, ये बात। ओ ही इज वेरी लो, चल आ जा बेटे, तेरे को मैं बताता हूँ, इधर आ। ओके मैं मेगा स्पीयर से एक चीज को पकड़ूंगा, मेरे एक है अगर नहीं आया वो। ओ वो आ गया, लेट्स गो। हमारे पास इतने मस्त पोकेमोन्स आ गए हैं, इतने मस्त पोकेमोन्स आ गए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। ओ भाई हमारे मिशंस भी हो गए काफी सारे, मेरे लेवल 9 है। आई गेस सभी के लिए इतना काफी है यार हमारे इस पैलवर्ल्ड की जर्नी में। आई गेस बाकी सारी हमारी जितने भी चीजें करनी है हम लोग आराम से नेक्स्ट एपिसोड में कर सकते हैं। और भाई अभी दिस इज जस्ट द स्टार्ट, हमें कुछ ज्यादा ही चीजें करनी है अभी तो। आई वुड से कि यार दिस इज द एंड अभी के लिए, मैं आपसे मिलूंगा इन द नेक्स्ट एपिसोड। और सब्सक्राइब लाइक करना भूलना मत, तब तक के लिए गुड बाय गाइस, गुड बाय।